सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक की। एनसीआर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, आईएमडी ने जानकारी दी। गोंडा जिले में अलग अलग ट्रेन की चपेट में आने से एक किशोरी और एक युवक की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राज्य में जियो की 5G सेवा शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। बसपा प्रमुख के जन्मदिन की तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय में बसपा प्रमुख प्रेस वार्ता करेंगे और पुस्तक का विमोचन करेंगी। इसके साथ ही बसपा प्रमुख के जन्मदिन पर एक गीत भी रिलीज की जा रही है, कैलाश खेर ने गाया है। वहीं बसपा प्रमुख का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा, मैं पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में एक महीने तक प्रवास करते हैं, साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है। औरैया में मकर संक्रांति के मौके में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां इटावा लोकसभा में बीजेपी सांसद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों को उनके जरूरतमंद उपकरणों का वितरण किया, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी बताईं। इसके वहीं केंद्रीय विद्यालय को लेकर भी उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। था एक ट्रेन जो फफूंद रुकती थी उसको इटावा तक किया था और इटावा वाली फफूंद तक आ रही, तो वो 28 तारीख को 2 बजे फफूंद आएगी, ठीक है, विधिवत रूप से फिर यहाँ से चलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले हमारा ये कोशिश है और पूरा हमारा प्रयास है कि शताब्दी लखनऊ जो है दिव्यापुर में ठहराए इसका जो यहाँ की जनता की मांग। सर, इसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो एडमिशन रुके हुए हैं उस पर केंद्रीय विद्यालय के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में एनटीपीसी की आर्थिक जो व्यवस्था पूरी तरह जो है। बदायूं में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं ने समाधान दिवस के मौके पर थाना सहवान में और जरीफ नगर पर फरियादियों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही थाना दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्ण जल्द से जल्द निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
गाजियाबाद के लोनी में इस भयंकर ठंड के दौरान कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं राज्य मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 750 महिलाओं को चिन्हित किया गया, जिसमें लगभग 500 महिलाओं को कंबल वितरण किया गया। सूची बनाकर जल्द ही बाकी महिलाओं को भी कंबल का वितरण किया जाएगा। ग्रुप के एक संस्थापक हैं नरेंद्र अग्रवाल जी, जो हापुड़ में उनका निवास है और लगभग 33 वर्षों से वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचारधारा है, अंतिम अंतिम पंक्ति की जो उदय अंत्योदय का विचारधारा को लेते हुए, जो यहाँ पर लोनी क्षेत्र में जिनके पास मकान नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनको चिन्हित करके महिलाओं को लगभग 750 महिलाएं थी, जिसमें गरीबों को इस समय ठंड काफी पड़ रही है और अभी ठंड बढ़ी रही है, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहले कंबल हम अलग अलग जगह बांटते थे, अब की बार वितरण का कार्यक्रम लोनी क्षेत्र में सुना है। और लोनी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गरीब आबादी काफी रहती है यहाँ पर, जिनको इस कड़कती ठंड में कंबल की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए लोनी क्षेत्र में आया था। तो ये लोनी हमारे हापुड़ के श्री नरेंद्र अग्रवाल जी, इनके सौजन्य से मैं स्वयं उन्होंने और जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक संस्कार है सेवा का, उसके तहत भाजपा कार्यकर्ता हमेशा लगा रहता है। हमारे माननीय मंत्री जी, बड़े भाई कैप्टन विकास गुप्ता जी और आदरणीय नरेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने जो लोनी में जरूरतमंद थे, अभी लगातार कंबल बांटने का कार्यक्रम चल रहा है सरकारी और गैर सरकारी लोनी में। लोनी का आवाम, क्योंकि यहाँ लोग रोजी रोटी के लिए दूर दराज से आए, तो यहाँ बहुत जरूरत है, तो जरूरतमंदों के लिए कोशिश है कि कोई। गाजियाबाद के थाना कवि नगर और साइबर टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गैंग का खुलासा किया है, जो कि लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। यह गैंग लोगों को नौकरी के झांसे देकर लोगों से ठगी करता था। इतना ही नहीं, एयर इंडिया जैसी कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों को बेवकूफ बनाते और उनसे लाखों रुपए की रकम ऐंठ लेते थे। ठगों के पास एयर इंडिया के कई सारे फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद हुए हैं, जिसे दिखाकर यह लोगों से लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। कमिश्नरेट गाजियाबाद की साइबर टीम तथा थाना कबीनगर की टीम के द्वारा 6 सातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 42,000 रुपए, 19 मोबाइल और साइबर ठगी में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरण बरामद हुआ है। थाना कबीनगर पर करीब 3 महीना पहले एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें वादी से इन लोगों ने करीब 14 लाख रुपए ठगे थे। इसी की विवेचना के दौरान साइबर सेल की टीम वहां तक पहुंची थी और इनको पकड़ करके जेल। खबर गोंडा से है, जहां मनकापुर में अयोध्या जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और GRP ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमीरपुर के बदहोखर मेहंदी गांव में 25 दिसंबर से शुरू हुए क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच सहारा मौदहा ने सुमेरपुर लॉयंस टीम को हराकर जीत लिया। वहीं जीत के बाद विजेता और उपविजेता टीम को जिला पंचायत सदस्य और CO मौदहा ने शील्ड व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि फाइनल मैच में मौदहा टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 131 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं जवाब में उतरी सुमेरपुर टीम 70 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें सर्वाधिक पीड़ित ग्रामीण क्षेत्र के गरीब असहाय लोग हैं, जिसको लेकर बड़े बड़े समाजसेवी लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में समाजसेवी विनोद कुमार शुक्ला ने जिले के वासी तहसील में असहाय लोगों से कंबल और अन्य किट का वितरण कर लोगों को ठंड से बचाव करने में उनकी मदद की। इस कार्यक्रम में करीब 200 गरीब असहायों में कंबल एवं अन्य किट वितरण किया गया और लोगों को ठंड से निजात दिलाने का प्रयास किया गया। कंबल वितरण का मेन उद्देश्य जो भी सुनिश्चित होती है कुछ समाज में ऐसा कुछ करने के लिए, वो नारायण की कृपा से ही संभव हो पाता है।
और हम एक व्यवसायी हैं, छोटे मोटे मझोले किस्म के व्यवसायी हैं। तो वैसे तो हमारे वेद शास्त्र उपनिषद ये कहते हैं कि अपने आय का दशांश दान करना चाहिए, लेकिन वो आज के ज़माने में नहीं पॉसिबल है, दशांश दान करना नहीं संभव है। तो उसमें से कुछ है अंश, तो ये हम पहले से ऑलरेडी करते चले आए। गाजियाबाद जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें, आरोपी किशोरी को ब्लैकमेल कर 6 महीने से दरिंदगी कर रहे थे, साथ ही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी भी देते थे, जिसकी सूचना पीड़ित ने परिजनों को दी तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लड़की का मेडिकल कराकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। आज शाम को थाना कोतवाली की पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कि एक युवती ने यह बताया है कि 3 व्यक्ति उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे। इसमें तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं उस युवती का मेडिकल करा दिया गया है। इसमें तीनों ही अभियुक्तों की हमने हिरासत में ले लिया है, आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस